कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को बीते दिनों कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद उनकी विधायक की सदस्यता भी खत्म हो गई। हालांकि इन दुख के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के पक्षपात बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। दुर्भावना से किसी एक को लक्षित करके बिना बात के किसी बात की सजा देना और अन्य को आरोपों से मुक्त कर देना नाइंसाफी है। हालांकि इससे पहले भी सजा के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी। अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के समाजवादी नेता आजम खान साहब हैं। उन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। आजम खान बीजेपी सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक ताकतों की धूल विरोधी हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। आजम खान नफरती राजनीति के विरोधी थे, इसलिए वे बीजेपी की आंख में किरकिरी बन गए। विधानसभा में उनके अटकायत तर्कों और तीखे बयानों से बीजेपी नेता असहज रहते थे, इसलिए इनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। बता दें कि आजम खान को सजा होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब यहाँ तक कि लोगों ने कयास लगाए हैं, लोगों की उम्मीदें ही समझ लीजिए कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब अकेले पड़ते नजर आ रहे। तो अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश साथ में आके कहीं ना कहीं बचा सकते हैं आजम खान को, इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या सच में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए ताकि विपक्ष को भी बड़ा झटका लगे और आजम खान को भी बचाया जा सके। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।